जथा जिहड़ा हैगा उह रवाना होण जा रहा हैगा। हालांकि इस जथे की जिहड़ा रूट मैप हैगा उहनूं लै के बहुत सारे शंके सी, बहुत सारे सवाल सी कि बदलाव किया जाएगा जिस तरीके नाल सरकार की अणदेखी है, पर किस तरीके के बदलाव रहने वाले ने तमाम जानकारी तुहाडे नाल सांझी करनी। एक बार तुहानूं तस्वीरां दिखा दईए, इधरले पासे जथा जिहड़ा हैगा इस वक्त एक बार फिर मोहाली YPS चौंक तो चंडीगढ़ वाले पासे नूं वधदा होया, क्योंकि एक पासे तो मोर्चा लगा होया, दूजे पासे की असीं गल करिए तां अज एक बार फिर उस चौंक वल जिथे कुछ दिन पहला हिंसा वापरी सीगी तां उस चौंक वल अज एक बार फिर यह जथा जिहड़ा हैगा वधदा दिखाई दे रहा हैगा। तमाम मैंबर जिहड़े ने उहनां दे नाल होर भी बहुत वड्डी गिणती दे विच तुसीं देख सकदे हो संगत आई सी, पर उहनूं इत्थे ही रोकण की कोशिश है कि सिर्फ ते सिर्फ इत्थों अगे 31 मैंबरी जथा ही अगे जाएगा। तमाम तस्वीरां तुहानूं दिखाउण की कोशिश कर रहे हैं कि यह जथा जिहड़ा हैगा इहदे विच वड्डी गिणती दे विच तुसीं देख सकदे हो तस्वीरां। इस वक्त बहुत सारे श्रद्धालु संगत जिहड़ी हैगी उह वी नाल आउंदी है इस जथे दे, पर इत्थों अगे सिर्फ ते सिर्फ 31 मैंबरी जथा जिहड़ा हैगा उहनूं जाण दी आग्या दी जाती है तां जो अगे जा के माहौल जिहड़ा हैगा उह काबू दे विच रहे, सुखद रहे, क्योंकि मोर्चे की सब तो वड्डी गल यही है, साफ तौर पर यही कहा जा रहा हैगा कि असीं इस पूरे प्रोग्राम नूं शांतमई रखना हैगा। तो शांतमई ढंग दे नाल इस वक्त उन्हां देखो तुसीं नज़दीक तो तुहानूं दिखाउण की कोशिश करते हैं कि एक एक करके जिहड़े 31 मैंबर चुने गए ने, जिहड़े 31 मैंबर चुने गए ने उन्हां नूं एक एक करके इत्थों अगे भेजा जा रहा हैगा, जिहड़े अज अपने नाम लिखा के आए ने कि यही 31 मैंबर जिहड़े ने उह अगे जाणगे। कि कुछ परचे होए ने, परचियां दे विच तुहाडा नाम भी हैगा ते होर भी बहुते लोक जिहड़े ने उन्हां नूं भी आइडेंटिफाई किया गया हैगा, उन्हां ते भी कार्रवाई करन दी तैयारी च आ पुलिस? देखो जी, सरकार ने देखना कि उन्होंने की करना की नहीं करना, असी परचियां तो डरन वाले नहीं, साडियां जिहड़ियां चार मंगा ने असी उन्हां ते पहरा देना वा, जदों तक वो पूरियां नहीं हुंदियां साडा जिहड़ा संघर्ष है वो जारी रहेगा। मोर्चे दे विच भी चर्चा चली सी कि जिस तरीके नाल सरकार मूक दर्शक बनी हुई है, कुछ नहीं कर रही, ता रूट भी चेंज किया जा सकता, पर हुण फिर उही रूट ते जाया जा रहा हैगा, की इस बाबत चर्चा हुई सी अंदर? देखो जी, हजे तक रूट चेंज करन दी कोई गल नहीं हुई, जदों करना होऊगा वह जरूर दस्या जाएगा कि आपां रूट बदलना कि नहीं बदलना। फिलहाल असी इसे फार्मूले के उत्ते काम करांगे, जे कोई तब्दीली लैनी होगी वह दस्या जाएगा। पहला सुरिंदर जी, इदा का तुम की करता कि 307 वर्गे मामले दर्ज हुए ने, भी तुम कतल करने की कोशिश की? देखो जी, असी तो गुरु ग्रंथ साहब जी बेअदबी का इंसाफ मंगया, बदले च सानू 307 मिल रही है, जदों कि असी उस समय कैबिनेट की मीटिंग दे जो ये सारा कुछ होया, जदों बहुता कुछ हो गया सी असी उत्थे पहुंचे हैं, उत्थे पहुंच के भी मुलाजमान बचाया, फिर भी सरकार वालों आगुआ ते मतलब इस तरह की धारावां लाउणियां, उहदा स्पष्ट गल यह है कि गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबियां दा सरकार इंसाफ देना नहीं चाहती, सानू धक्के नाल लैणा पाऊगा। जे असी अज दे इस जथे की गल करिए, अज भी 31 मैंबरां नूं चुणिया गया, उन्होंने अगे लैके जाया जा रहा है, अज का रूट मैप की रहने वाला हैगा, अज किस तरीके नाल अगे कार्रवाई करनी? देखो जी, अज का यही है कि जिवें आपां पहला नाम सिमरन करके उत्थे अरदास करके बैठते सीगे, उस तरीके नाल भी अज बैठे जाएगा। पर अज पुलिस की नफरी वध हैगी, तां इस वक्त तुसीं देख सकते हो पुलिस की नफरी वध है, तो इस करके कुछ जिहड़े शक्की ने जां लोक ने उहनां नूं कहा जा रहा हैगा कि वह पिछे पिछे रहणगे, तां पुलिस लगातार राबता करके रख रही है, तो पुलिस अपने वालों कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह के कोई व्यक्ति जिहड़ा शक्की होवे उह नाल शामिल ना होवे। तो इस तरीके दे नाल पूरी नज़र जिहड़ी है अज बड़े तरीके दे नाल रखी जा रही है, अज पुलिस दी पंजाब पुलिस दी नफरी भी वधाई गई है, पुलिस नाल दी नाल चल रही है, तो जिहड़े शक्की व्यक्ति ने उन्हां ते भी नज़र रखण दी कोशिश लगातार चल रही है। तो तमाम तस्वीरां तुसीं देख रहे हो इस वक्त यह जथा जिहड़ा हैगा एक बार फिर चंडीगढ़ वाला वाधा होया, हालांकि अज क्योंकि पहला थोड़ी जी चर्चा छड़ गई सी कि रूट मैप दे विच तब्दीली की जा सकती जां अगे पिछे होया जा सकता जां होर कोई रस्ता अपनाया जा सकता, तो इस करके पुलिस प्रशासन दे विच काफ़ी अज हलचल नज़र आ रही है, इस करके पंजाब पुलिस की तैनाती जिहड़ी है वह भी वधाई गई है, नफरी वधाई गई है, तो हरेक तुसीं देख सकते हो सीनियर अधिकारी भी नाल लगे हुए हैं, तो नज़र रखी जा रही है कि कोई भी वाधू व्यक्ति जिहड़ा हैगा वह इस मोर्चे दे विच शामिल हो के किते कोई अणसुखावी घटना नूं अंजाम ना दे देवे। तुसीं देख सकते हो पुलिस दे कुछ आगू जिहड़े ने लीडर जिहड़े ने उह भी लगातार जथे दे उपर नज़र बना के रख रहे हैं, तो जे कोई व्यक्ति इस वक्त इस पूरी घटना दे विच असीं कह सकते हैं कि कोई भी अणसुखावी घटना नूं अंजाम देने की कोशिश करता, तो उस लई मुस्तैदी वरती जा रही है। तस्वीरां ने मोहाली दियां जिथों ये मोर्चा हुण 52 तो 53 जाने की YPS तो 53 वाले चौंक वाल दी हुंदा होया, जिधरले पासे नूं 36 वाला चौंक हैगा चंडीगढ़ का, चंडीगढ़ वाला इलाका पैंदा हैगा, उस रोड तो हुण उधर नूं अगे वधेगा,
तो उस तरीके दी तस्वीर इस वक्त तुसी देख सकते हो, तुहानूं नज़र आ रही होणगियां। तां इत्थों इह मोर्चा जिहड़ा अगे वध रहा हैगा, पुलिस की तैनाती लगातार की हुई है तां जो कोई भी अणसुखावी ना घटना वापरे। हालांकि ये चर्चावां पहलां चल रही सी कि रूट मैप जिहड़ा सीगा जां जाण दा रस्ता जिहड़ा सी बदलिया जा सकता, इसे करके अज पंजाब पुलिस की नफरी जिहड़ी है उहदे विच काफ़ी इजाफा किया गया हैगा। तो कई टू स्टार जां थ्री स्टार जिहड़े इंस्पैक्टर ने जां ASI ने उन्होंने तैनाती उचेचे तौर पर वह भी बेच अपनी भूमिका निभा रहे हैं कि कितने भी कोई अणसुखावी घटना ना वापरे, इस करके उस तरीके हर पहलू पर नज़र रखी जा रही है। तो तमाम तस्वीर तुम इस वक्त देख रहे हो जड़ियाँ उस जत्थे दियां ने, 31 मैंबर जत्था दियां। असी कुछ आगुआं दे नाल गलबात करन दी कोशिश भी की, उन्होंने साफ तौर पर यही जिक्र किया कि शांतमई अंदोलन रहेगा, शांतमई जत्था जाएगा जिवें हर बार जाता हैगा। 31 मैंबर अगे जाणगे अते उत्थे नाम सिमरन करनगे, जाप करनगे, ते उस तो बाद उस तरीके दे नाल आवाज़ अपनी रखणगे। जे सरकार दा कोई नुमाइंदा आउंदा उहनूं गल दसी जाएगी, जे गिरफ्तारी लई जांदी तां गिरफ्तारी दित्ती जाएगी, पर जे कोई भी आवाज़ नहीं सुनी जाती तो आने वाले समय के उस हिसाब नाल कोई वड्डे फैसले लैण दे लई भी मोर्चा मजबूर हो सकता हैगा। तो तमाम तस्वीरां तुहानूं दिखाउण दी कोशिश लगातार कर रहे हैं कि किस तरीके नाल अज एक बार फिर जत्था जिहड़ा हैगा उह इत्थों अगे वधदा होया दिखाई दे रहा हैगा। ये तस्वीरां ने इस वक्त मोहाली तो चंडीगढ़ वाले पासे नूं जांदे हुए राह दियां। तो तमाम तस्वीरां तुहानूं दिखाउण दी लाइव कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके दे हालात ने, किस तरीके नाल ये जत्था अगे वध रहा हैगा। कौमी इंसाफ मोर्चा मुख तौर पर कुछ मंगां नूं लै के लगा हुआ है, लगातार बंदी सिंघां की रिहाई, सिखां दे मसलियां दे हल ते होर बहुत सारिया चीज़ां ने जिहड़ियां लगातारता दे विच हो रही ने, जिन्हां नूं ध्यान दे विच रखदे हुए ये मोर्चा जिहड़ा हैगा उसनूं लगाया गया। तो हुण तुसीं देख सकते हो पुलिस जिहड़ी है वह अपने वल्लों मुश्तैदी वरतदी हुई दिखाई दे रही है, तो असीं भी कोशिश कर रहे हैं कि तुहाडे तक तमाम जानकारी जिहड़ी है वह जरूर पहुँचती रहे। तो हुण इत्थे तुसीं देख सकते हो ट्रैफिक, क्योंकि एक चौंक पहला पैंदा हैगा, इत्थों पहला ट्रैफिक नूं थोड़ा रोकना पैंदा हैगा, तो उस तो बाद ही अगे इत्थों जिहड़े लोग आ उह लंघ पाउंदे ने। तो हुण तुसीं देख सकते हो जत्था अगे वधदा होया, अते इधरले पासे तुहानूं थोड़ी जी दिखाउण दी कोशिश करिए तस्वीर। पंजाब पुलिस की तुसीं देख सकते हो इस वक्त तैनाती कि वड्डी पद्धर ते कीती गई है, कल दे नालों ज़्यादा तुहानूं नज़र आउंदे होणगे, क्योंकि अज एक इनफॉर्मेशन सी थोड़े जी कल जिक्र कर दिता गया सीगा कि जे यही हाल रहा तां असीं आने वाले समय दे विच रूट मैप भी चेंज कर सकते हैं, अपना राह भी बदल सकते हैं। तो उस राह बदलण की खबर तो बाद पंजाब पुलिस मुस्तैदी वरतदी हुई दिखाई दे रही है, एंटीरॉयड पुलिस जिहड़ी है वह भी, तो नाल दी नाल दूसरे मुलाजम सीनियर पुलिस दे 3 स्टार 2 स्टार जिहड़े मुलाजम ने उन्हां नूं भी तैनात किया गया हैगा। तो तुसीं देख सकते हो इस वक्त वड्डी गिणती दे विच जिहड़े मुलाजम ने इस मोर्चे नूं ध्यान दे नाल वाचदे हुए नज़र आ रहे हैं। तां इह तस्वीरां ने इस वक्त मोहाली तों चंडीगढ़ जांदे राह दियां। हुण इह मोर्चा एक बार फिर उसे चौंक दे विच हुंदा होया, उसे मार्ग थानी हुंदा होया एक बार फिर उत्थे पहुँचेगा जिथे 2 दिन पहला तुहानूं असी तस्वीर दिखाई सी किस तरीके नाल हिंसा भड़क गई सी, पुलिस एक्शन होया सी, पानी दीआं बुछारां चलीआं सी, अते उस तो बाद किस तरीके दे नाल माहौल काफ़ी तनावपूर्ण हो गया सीगा। तो हुण इह जिहड़े 31 मैंबरी जथा हैगा लगातार नारेबाजी कर रहा हैगा, सिमरन भी किया जा रहा, पर नाल दे नाल सरकार दे खिलाफ नारेबाजी भी चल रही है कि सूबा सरकार साडी आवाज़ सुन नहीं रही। तो हुण क्योंकि इस वक्त ये जत्था फिर वध रहा हैगा, तो इस करके उही रूट मैप हैगा इन्हां दा, उस तरीके दे नाल जत्था हुण अगे वधदा होया दिखाई दे रहा हैगा। तो अज भी इस जत्थे दे वल्लों तमाम उही रूट उही निजम जिहड़े ने अपनाए जा रहे ने, जिहड़े इन्हां दे रोज़ाना दी मोर्चे दे वल्लों अपनाए जांदे ने कि 31 मैंबर जत्था किस रूट नाल जाएगा, किस तरीके नाल जाएगा। मैंबरां दे नाम लिखे गए ने, जिहड़े मैंबरां दे नाम लिखे गए ने सिर्फ उही मैंबरां इस पूरे मोर्चे दे वलों जत्थे दे विच शामिल हो के अगे वध रहे ने। तो हुण वाहिगुरू सतनाम वाहिगुरू का जाप चलता होया, तो पुलिस की तैनाती वड्डे पद्धर ते है, तो पुलिस भी सिविल वर्दी दे विच भी तुहानूं पुलिस नज़र आ रही होगी, अते ड्रैस दे विच भी पुलिस नज़र आ रही है, पुलिस के कर्मचारी लगातार नज़र बना के रख रहे हैं इस पूरे ईवेंट ते कि किस तरीके दे नाल ये पूरा ईवेंट जिहड़ा हैगा उसनूं ध्यान दे विच रखना हैगा। तां तमाम तस्वीरां तुसीं इस वक्त देख सकते हो किस तरीके दीआं
ये तस्वीर नज़र ने आ रही तो इन्हों के जथा जोड़ा 31 मैंबरी जथा वह पुलिस की देख रेख दे अगे वादा होया तो तमाम तस्वीर कौमी इंसाफ मोर्चे वालों रवाना हुए 31 मैंबरी जथे दियाँ तो सिविल ड्रैस के भी पुलिस वाले ने ते ड्रैस में भी पुलिस वाले नाल मुश्तैदी वरत रहे ने ते पूरी नज़र रखी जा रही है कि कोई भी अणसुखावी घटना जी है वो ना वापरे। तो हमने जथा इस तरीके जाप करता होया अगे वादा जा होया दिखाई दे रहा है तो तुसी तस्वीर देख रहे हो इस वक्त इस जथे दियाँ कि जथा किस तरीके अगे वादा होया नज़र आ रहा है। तमाम तस्वीर इस वक्त मोहाली तो चंडीगढ़ वाले जाते रहा दियाँ हूँ असं तकरीबन उस चौंक के नज़दीक पहुँच चुके हैं जितों फिर ये मोर्चा मोहाली तो चंडीगढ़ वाले पास वधेगा। पहला मोहाली तो सीधा अगे जा रहा है तो हूँ अभी देख रहे हो पुलिस जी है वो लगातार मुश्तैदी वरत रही है। पुलिस के सीनियर अधिकारी लगातार नज़र बनाई रखी हुई है उन्होंने भी अगे होवो पिछे भी पुलिस वाले नूं लगाया गया है कि कोई भी व्यक्ति पिछले पास की छेड़खानी ना करे इस करके कुछ मुलाजमों जथे के पिछे भेजा गया है कुछ अगे मैंबर ने ते कुछ सिविल ड्रैस के पुलिस वाले ते कुछ वर्दियों के तमाम तस्वीर तुम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त कि मोर्चा किस तरीके अगे वध रहा है ते तुहानूं अगे दीआं तस्वीरां भी दिखावांगे। एक बार अगे ले पासे भी तुहानूं तस्वीरां दिखाउंदे चलदे हां कि अगे पासे देख सकते हो किस तरीके वड्डी गिणती दे विच जिहड़ी है पंजाब पुलिस की तैनाती हैगी एंटी रॉयड पुलिस की तैनाती हैगी। अगे सामने वो चौंक हैगा जिस तों सज्जे पासे मुड़ के असीं बिल्कुल उस थां ते पहुँच जावांगे जिथे उस दिन हिंसा वापरी सी जिस दिन आपां कह सकते हैं कि पुलिस दीआं पाणी दीआं बुछाड़ां चलीआं सी लाठीचार्ज होया सी तां उस तों बाद एक्शन दे रिएक्शन विच बहुत वड्डी गिणती दे विच जिहड़े नौजवान उत्थे पहुँचे उन्होंने वालों भी सीधे तौर पर इस पूरे घटनाक्रम के अपनी भूमिका निभाई गई कि इस तरीके उन्होंने वालों भी पुलिस के उपर अटैक किया गया तो वह भी तस्वीर सगिया। तो उस तो बाद यह भी खबर है कि मोर्चे के जोड़े आगू साहबान ने उन्होंने उपर 307 के वर्गे संगीन जोड़े रूप होंगे ने उन्होंने तहत परचे दर्ज किए गए हैं तो वह भी बहुत अहम चीज़ है कि एड्डी वड्डी गिनती दे विच जोड़े नौजवान पहुँचे से उन्होंने थान जोड़े कुछ आगू उत्थे मौजूद भी नहीं सी उन्होंने नाम भी उस परचे दे विच शामिल किए गए हैं। 307 वर्गियां संगीत धारावां लगाई गई ने पुलिस दियां पुलिस का समान खोण दियां पब्लिक प्रॉपर्टी नूं नुकसान पहुँचाउण दियां तो बहुत सारिया धारावां दे तहत जिहड़े परचे दर्ज किए गए हैं। यह भी खबर है कि जिहड़े उत्थे कैमरे लगे होंदे ने उन्होंने भी सीधे तौर पर असीं दस दईए कि तुहानूं उन्हां दे जरिए भी कुछ लोगों आइडेंटिफाई किया गया है। तो हुण तुसीं तस्वीरां देख सकते हो इधरले पासे एक बार तुहानूं दिखाउंदे आ इधरले पासे राह नूं ढक्कण दे लई जेसीबी मशीन जिहड़ी है वह लगाई गई है तो उस तो अगे तुहानूं दिखा दईए हुण अगलियां तस्वीरां भी तुहानूं दिखाउणियां ने कि अगे पंजाब पुलिस का इस बार किड्डा तकड़ा इंतजाम हैगा। ये पहली बार है कि अज पंजाब पुलिस वालों एड्डा वड्डा इंतजाम किया गया है तो तुहानूं वह भी तस्वीरां दिखाउंदे जांदे आ कि इस वक्त पंजाब पुलिस जिहड़ी है उहदे वालों भी तकड़ा इंतजाम जिहड़ा हैगा वह तुहानूं पहले ही नज़र आ रहा हैगा। पंजाब पुलिस दे वलों इत्थे आज पहली बार होया कि उस तो पहला भी एक बैरीकेडिंग की गई है चंडीगढ़ पुलिस तो पहला भी एक बैरीकेडिंग की गई है वह भी तस्वीर तुम दिखा रहे हैं कि पंजाब पुलिस के मुलाजमान वालों एक वड्डी बैरीकेडिंग पहला की गई है। इधरले पासे टिप्पर तुसीं देख सकते हो टिप्पर वगैरह खड़ाए गए हैं इन्हां दे विच रेता हैगी है भी इन्हां नूं कोई भी हिला ना सके। तो हुण दूसरे पासे पंजाब पुलिस की वड्डी मात्रा दे विच नफरी इत्थे मौजूद हैगी है तो इत्थों तुसीं देख सकते हो तस्वीर तो ये तस्वीर ने यह थोड़िया जी वक्रिया ने क्योंकि कल जी चर्चा चली सी उस तो बाद पंजाब पुलिस मुश्तैदी वरत रही है कि कोई भी इदा की घटना ना वापरे जी शंके पैदा करे। हालांकि राह छड़ दिता गया है मोर्चे के लंघन राह छड़ दिता गया है पर फिर भी इस तरीके के जोड़े प्रबंध किए गए हैं ये अपने आप के कई सवाल खड़े करते हैं कि आखिरकार अजिहे अजिहा प्रबंध क्यों किया गया है। तो तमाम तस्वीर तुम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त असं एक साइड पर खड़े होकर इतों जो मोर्चा अगे लंघेगा उहदियां तस्वीरां तुम दिखाने की कोशिश करा कि किस तरीके मोर्चा जिहड़ा इत्थे आ रहा है। तो हुण असीं इत्थे खड़े होकर तुहानूं तमाम तस्वीरां दिखाने की कोशिश करा तुसीं देख सकते हो वड्डी मात्रा दे विच पुलिस दे कर्मचारी जिहड़े ने उह तुहानूं नज़र आउणगे उस तों बाद कुछ मीडिया दे कर्मी ने जिहड़े लगातार इस मोर्चे नूं कवर कर रहे ने उह नज़र आ रहे हैं हुण तुहानूं। उस तों बाद हुण मोर्चा जिहड़ा आ वो इस बैरीकेड जिहड़े पहला
बैरीकेड लाए गए ने उन्होंने तो दाखिल हों दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ मुलाजम सिविल ड्रेस के कत्ती मैंबरी जथा है, देख लो लगातार नारेबाजी की जा रही है, लगातार नारेबाजी की जा रही है। तो तमाम तस्वीर तुम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हूँ चलते चलते तुम अगे लैके जावे, अगे लैके जावे तो अगे तुम तमाम तस्वीर वो भी दिखाने की कोशिश करा जिथे अगे बैरीकेडिंग हुई है। तो अज पंजाब पुलिस की नफरी वधाई गई है, ये कारण की है ज अगला एक्शन की रहने वाला है मोर्चे के खिलाफ ज मोर्चे के नाल गलबात होगी ज चर्चा चलेगी ये देखने वाली चीज़ होगी। हालांकि दूसरे पास असं जो समझ की कोशिश करिए आम आदमी पार्टी के कुछ सीनियर आगुओं का यह कहना है कि असी पक्के पैरी एक्शन लेना चाहते हैं, असी लगातार लगे हुए हैं भी असी बंदी सिंह की जी चर्चा चल रही है उस बाबत तो नाल दी नाल सब तो वड्डी गल कि बेअदबी के मसलों के हल के लिए असी एक्शन दे विच हैगे हाँ, असी आने वाले समय के जल्दी ही इसका इंसाफ देवांगे। तो इदां दीआं टिप्पणियां भी आम आदमी पार्टी के सीनियर अधिकारी जिहड़े ने लगातार कर रहे हैं। पर इस वक्त जिस तरीके दे नाल मोर्चा इस वक्त पंजाब सरकार के खिलाफ अपना रुख अख्तियार कर चुका हैगा तो उहदे विचों एक वड्डी चीज़ यही निकल के सामने आ रही है कि पहला पंजाब सरकार नूं इस मसले वाला ध्यान देना पवेगा लाजमी तौर पर, तो उस तो बाद ही अगला एक्शन जिहड़ा है उन्होंने लेना पवेगा। तो मोर्चा लगातार शांतमय ढंग दे नाल अपना प्रदर्शन करते हुए हर रोज़ की तरह एक बार फिर मोहाली तो चंडीगढ़ रूट पर आ के अपना उही फॉर्मेट जिहड़ा हैगा उही तरीकाकार हैगा जिहड़ा उसनू अपना रहा हैगा। तो उस तहत ही अज एक बार फिर तुसीं देख सकते हो इंतजाम जिहड़े ने पंजाब पुलिस के वलों भी वड्डे तौर पर किए गए ने। तो दूजे पासे मोर्चे के आगू उस तरीके रोजाना के तरह ही हत्थां दे विच केसरी निशान फड़ के ते नारेबाजी करते हुए ते जकारे लाते हुए एक बार फिर उस चौंक दे विच पहुँच चुके ने जिथे पंजाब ते चंडीगढ़ पुलिस जिहड़ी आ इन्हां नूं इत्थे रोकेगी। तो हुण इह तस्वीरां तुसीं देख लो, असीं फिर उस चौंक दे विच मौजूद हाँ जिथों हर रोज़ ये जत्था पहुँच के अपनी आवाज़ जिहड़ा उहनूं सरकार दे तक पहुँचाउण दी कोशिश करदा हैगा। तो इत्थे बैठ के ही इन्हां दे वल्लों हुण जाप किया जाना हैगा। तो एक बार फिर ये सारा मोर्चा उत्थे उस थां ते पहुँच चुका हैगा जिथे गलबात की जानी है। तुसीं देख सकते हो एक बार प्रशासन के कुछ अधिकारी मौजूद ने कि गलबात होंगी है भी तुहानूं सुनाउण दी कोशिश करांगे कि कोई गलबात होंगी है ज नहीं। तो हुण एक बार फिर उही कि कोई गलबात नहीं, प्रशासन के सीनियर अधिकारी मौजूद ने। तो दूजे पासे संगत दे इकत्ती मैंबर जिहड़े आए सी जथे दे जिहड़े इकत्ती मैंबर आए सी वह फिर जमीन ते बैठ गए ने। तो एक बार फिर उही तरीका जिहड़ा जथा हर रोज़ अपनाउंदा हैगा हत्थां दे विच निशान फड़ के तो बैठ के हुण एक बार फिर उही चर्चा दोबारा शुरू कर दित्ती गई है। तो हुण तुहानूं एक बार आले दुआले दीआं तस्वीरां भी दिखा दईए, इधरले पासों असीं शुरू करदे खब्बे पासों अपने। तो इधरले पासे तुसीं देख सकदे हो जेसीबी दी मशीन लगाई गई है, यकीनन एक किराए ते लिआंदी गई होवेगी। तो अजिही मशीन लगाउण दा की कारण है, नाल दी नाल तुसीं देख सकदे हो वड्डे वड्डे टिप्पर पानी दीआं वैनां, दो पानी दीआं वैनां पंजाब सरकार दे वाले पासे हैगीआं ते वड्डे टिप्पर इधरले पासे हैगे। पुलिस की तैनाती तुसीं देख सकदे हो किड्डी वड्डी गिणती दे विच कीती गई है, सारे तमाम पुलिस जिहड़े अधिकारी ने उहनां दे वल्लों भी इत्थे अपनी मौजूदगी दिखाई जा रही है। तो नाल दी नाल तुसीं देख सकदे हो हत्थां दे विच शील्डां फड़ के डंडे फड़ के पंजाब पुलिस अते नाल दी नाल एंटी रॉयट पुलिस जिहड़ी है पंजाब दी उसकी तैनाती की गई है। पूरी तरह उन्होंने हत्थां दे विच शीलां फड़िया हुई ने, डांगा फड़िया हुई ने। तो दूसरे पासे असीं थोड़ा जिहा तस्वीर अगले पासे दिखा दी चंडीगढ़ वाले पासे, तो उधरले पासे उस तरीके नाल वड्डे वड्डे ट्रक खड़े किए गए हैं, पानी दीआं बुछारां वालीआं बैनां खड़ियां कीतीआं गईआं ने। तो हुण इस पासे पुलिस दे सीनियर अधिकारी इत्थे मौके ते पहुँच चुके ने, गलबात लगातार चल रही है, पुलिस आपस दे विच लगातार चर्चा करदी है कि कोई भी अणसुखामी इत्थे घटना जिहड़ी है ना वापरे, इस करके माहौल जिहड़ा सुखद बणिआ रहे। तो आपस च चर्चा लगातार चलती रहिंदी है, पर त्रासदी यही हैगी है कि हाले तक इस मसले का कोई भी हल जिहड़ा आ उह नहीं निकलिया हैगा। तो तुसीं देख सकते हो सीनियर अधिकारी इत्थे पहुँचे हुए ने, गलबात लगातार आपस दे विच करदे ने, पर मसले का हल क्यों नहीं निकल रहा, क्योंकि सीधे तौर पर दस दी कि इस मसले का हल केंद्र सरकार सूबा सरकार के हाथ दे विच हैगा। तो इस करके मसला हले भी उत्थे दा उत्थे हैगा। तो इस तरीके करके हर रोज़ जिहड़े जथे दे मैंबर ने इत्थे पहुँचते ने, अपनी आवाज़ रखते ने अते गलबात तो बाद मसले के हल के लिए कोशिश करते हैं, पर उदा ही अड़िया होया हैगा मसला, कितें भी कोई हल नहीं निकल रहा। तो ये तमाम तस्वीर असीं दिखाउण दी तुहानूं कोशिश की है,
ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਤਮਾਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਾਂਗੇ, ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਮਾਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਚੱਕ ਸਕੇ। ਸਾਰਥਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਹੱਲੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।